Welcome to Study IAS. I'm your educator Shivam, and today I will discuss about Himalayan drainage system. इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम इन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की सभी रिवर्स को कैसे याद करेंगे. तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ. सबसे पहले हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं. हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली 19 मेजर रिवर्स है, पर उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आती हैं, वो सिर्फ तीन ही हैं, जो कि हैं हिंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. और हमें इन्हीं तीनों रिवर्स के बारे में पढ़ना है. तो पढ़ते हैं सबसे पहले हिंदस ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और जो है झेलम, रावी, सतलुज, चेनाब और ब्यास. इस मैप में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि ये सभी की सभी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे हैं, जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी. बढ़ते हैं अब ट्रिक की तरफ कि आप इन सभी ट्रिब्यूटरीज को कैसे याद रखेंगे. तो वो ट्रिक है कि हिंदस की झील में रवि और सतलुज को चने की बास आ रही थी. इस ट्रिक से आप इन सभी की सभी छह जो आपके ट्रिब्यूटरीज हैं इनको याद कर लेंगे, साथ ही साथ कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. इसलिए मैंने पहले ही उसका नाम यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपको ये भी याद रहे कि आप किसकी बात कर रहे हैं. तो ये है आपकी ट्रिक. तो आई होप कि आपको ये ट्रिक काफी अच्छी लगी होगी. तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज पे, जो कि है गंगा ट्रिब्यूटरीज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा जो है वो रिवर्स आते हैं. देखिए कौन कौन से हैं, यमुना, रामगंगा, सन, गंडक, चंबल, गगरा, दामोदर और कोसी. ये सभी के सभी जो रिवर्स हैं ये गंगा ट्रिब्यूटरीज के अंदर आती हैं. इस मैप में आप लोग इन सभी को काफी अच्छे तरीके से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सी रिवर कहाँ से है और कहाँ से निकलती है. तो बढ़ते हैं अपनी उस ट्रिक की तरफ जिससे हम इन सभी के सभी रिवर्स को याद कर सकते हैं. तो ये रही वो ट्रिक. ट्रिक है कि गंगा और यमुना दो लेडीज मान लीजिए, वो राम के सन को गंदा बोल रही हैं, और चंबल एक आदमी समझ लीजिए, उसको घाघरा पहनाकर दमदार लोगों से कुश्ती करवा रही हैं. तो देखिए मैंने इन सभी में हर एक ट्रिब्यूटरीज को समेट लिया है, और साथ ही साथ कौन किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी मैंने ले लिए है, उनके रिवर्स को भी मैंने इसमें ले लिया है. बस आपको यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देना है कि यहाँ पे होगा आपका गंगटक जो था, और यहाँ पे दामोदर होगा, और यहाँ कुश्ती पे आपका कोसी होगा. बाकी मैंने सभी वर्ड्स को, और यहाँ पे राम गंगा होगा, बस बाकी सभी वर्ड्स अपने अपने जगह पे काफी सही हैं. तो बढ़ते हैं अगली ट्रिब्यूटरीज पे, जो कि है ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज. इसमें आते हैं दिहांग, दिबांग, लोहित और तीस्ता. सबसे आसान है इन्हें याद करना, और साथ ही साथ कि ये इंपॉर्टेंट भी है. इस मैप में आप इन सभी को काफी आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी रिवर कहां से निकलती है. और ट्रिक है कि आप कैसे याद करेंगे, वो है आपकी ये कि दीदी लोटी. इस ट्रिक से आप लोग दिहांग, दिबांग, लोहित और तीस्ता काफी आसानी से याद कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही. आगे इसका पार्ट टू भी आएगा, जिसमें मैं और भी रिवर्स के बारे में डिस्कस करूंगा और उन्हें याद करने की ट्रिक बताऊंगा. सो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए वीडियो को. और अगर आपको कोई भी सजेशन या कमेंट करना है तो आप कमेंट कीजिए बिलो. मैं आपके सभी सजेशंस को सुनूंगा, साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि मैं आपके रिप्लाईज भी दे सकूं. और आपको जिस भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं. सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गुड बाय एंड टेक केयर.